दोस्तों इंडिया से वायरल इस वीडियो में चलती मेट्रो में मुस्लिम लड़की ने जो किया उसे देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेट्रो में बैठा चुपके से एक लड़का ये पूरा वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। मेट्रो में बैठी इस मुस्लिम लड़की को ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसका वीडियो कोई चुपके से रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन आगे जो उसके साथ हुआ वो आप इस पूरी वीडियो में देखिए। दोस्तों रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में इंडिया से वायरल एक मेट्रो में लोग सफ़र कर रहे थे, इन्हीं में एक ऐसी खातून भी मौजूद थी जिसके हाथ में कुरान का पारा नजर आ रहा था। वीडियो बनाने वाला शख्स जब और जूम कर देखता है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। मालूम होता है कि एक औरत मेट्रो में बैठी अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत कर रही है, जिसका फोकस और पूरा ध्यान उस पारे ही की तरफ था। हालांकि इसके आसपास कई नॉन मुस्लिम औरतें मौजूद थीं, ये चाहती तो आम लोगों की तरह अपना सफ़र बातों में गुजार सकती थी। जहां एक तरफ लोग मोबाइल फ़ोन्स और गेम में अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन इस मुस्लिम खातून ने जो किया उसने हर मुसलमान का ईमान ताज़ा कर दिया है। दूर बैठा एक मुस्लिम नौजवान इस पूरे मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। इस वक्त इसको सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ देखा और शेयर किया जा रहा है। अगर आपको भी इस वीडियो में इस मुस्लिम बहन के इस अमल को देखकर खुशी मिली हो तो इसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस मुबारक महीने में तिलावत करने की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वैसे कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में एक अल्फाज का सवाब 70 नेकियों के बराबर हो जाता है। चूँकि ये माह मुबारक हमारे लिए इबादत का ख़ास मस्कर होता है, इसलिए कुरान मजीद की तलावत से बेहतर और क्या इबादत हो सकती है। बाकी आप अपनी कीमती राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।